एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया डेविड आर एलिज़ और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये भी है ज, कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वारन जी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर एजे कुक माइकल लैंडेज और इस मूवी को सिनेटोग्राफी किए गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए हैं एरिक सीयर्स और इस मूवी मैंने म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज अ कैम्बिली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडीज एज एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड पे टाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज अ टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज अ नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज अ कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसोन एज अना डिक्स के रोल में जस्टिन मैक कार्डो एजेला और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रेंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अ रोल में एरोन डोग एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक कैनलसाइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर इलिन कॉलर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर इलीज के रोल में और एलफ्रेड ई हमफ्रीज एज मिस्टर गी के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेिस गी बॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रैंकी विटमैन वी, के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे एक लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धार का पूर्वाभा होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस नोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसाय कैट जिंक्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हार्डन्स हाई स्कूल मार्स, की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्सल थम्सबर्ग जबकि बर्क कम्बर्ली से सवाल करता है ढेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वाहक द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमलिया को आखिरी सेकेंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेढ़ डेढ़ डेथ की उपस्थिति से अवगत कम्बली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तर जीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र उब के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंध प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डे को डेंटिस्ट को उसकी माँ के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने क, किम्ब्रेली और बर्ग का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथी मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत ही, में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बचे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणाम स्वरूप उस, उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 6.10 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है जैसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और इस्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रुबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वार जीडी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए कुक माइकल लैंड और इस मूवी को सिनेटोग्राफी के गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए सेयर्स और इसमें मूवी में म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज like वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस का लैक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली क्लैटर एज अ क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज द एज थॉमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा नोरा कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज ए कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज एना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज एसबेला हॉडसोन के रोल में टॉनिट तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एडली एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिशर एज अ ब्रेन गीबोंस के रोल में बेनीटा हा एज अ जेन जीन का रोल में एरन डॉगलस एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हमफ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोरडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैंप पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभास होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है रसाई कैट जिंग्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉर्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्श मार्शल थॉम्सबर्ग जबकि बर्क, जब बर्क कम से सवाल करता है डेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहाक द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है देड़, देड़, देड़ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जो फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उंग उब्र, के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि युवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था। उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को, को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्रलि और बर्ग का परिचय कराया जो उन्हें बताता है, बताता है, है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा साथ साथी मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत ही, ही में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नूरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेसन मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जै जे, जे मैकी ग्रूबर ब्रेस जेफरी रेडिक और ये भी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वर्न जी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए जे कुक माइकल लैंडेज और इस मूवी को सीनेटोग्राफी के हैं गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए सेयर्स और इसमें मूवी म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इसमें मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस नाइनटी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एज थॉमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज ए इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज ए नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज ए कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज ए रोरी पीटर्स के रोल में टीसी सी कैरसन एज एना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज इसबेला हडसन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अ रोल में एरोन डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हम फ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोरडा जा रही है यूएस रूट 23 के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभाष होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है। कैट जिंग्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉडंस हाई स्कूल शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्क जब कंबर्ली से सवाल करता है ढेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहां द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमेलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है देड़, देड़, देड़ की उपस्थिति से से ने क्लियर रिवर से मदद मांगी। जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उंग उब, के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कमली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके ही हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इससे वूडो की तरफ से फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेसन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 के की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया डेविड आर एलिस और इस्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफ्री रेडिक और ये भी है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वर्न जी क्रेग पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर एजेक कुक माइकल लैंडेज और इस मूवी कुछ सिनेटोग्राफी की गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए एरिक्स और इस मूवी में मैंने म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इसमें मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी की कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैमबिरली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड एज ए इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोयड एज नोरा कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज ए कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज ए रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज यूगेना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज अस्बेला हडसन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एडली एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिशर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अ रोल में एरन डॉगलस एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हमफ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बला कारमन अपने दोस्त साइन मैकेल डॉनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैंप पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभास होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसायी कैट जिंक्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉर्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्स मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्क जब कंबड़ली से सवाल करता है डेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वाहक द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमेलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेथ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र, ब्राउनिंग के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कमली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके ही हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जिससे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से सिक्स फोर आउट ऑफ 5 रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया डेविड आर एलिज़ और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये भी है ज, कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वारन जी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर एजे कुक माइकल लैंड लैंडेज और इस मूवी को सिनेटोग्राफी किए गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए एरिक सीयर्स और इस मूवी मैंने म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी की कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली लेटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज अ कैम्बिली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडीज एज एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड पे टाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज अ टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज अ नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज अ कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी सी कैरसोन एज अना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज असबेला हॉडसोन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स री एज अ डेनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रेंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज अ माइकल कोरमैन के रोल में

मिस्टर गी के रोल में और चिल्टन क्रेंस एस मिसेज गी के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बि कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रैंकी विटमैन वी, के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे एक लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धार का पूर्वाभा होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस माँ कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है साई कैट जिन्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हार्डन्स हाई स्कूल मार्स, की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्स मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्ग कम्बर्ली से सवाल करता है ढेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वाहक द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकेंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेढ़ डेढ़ डेथ की उपस्थिति से अवगत कम्बली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तर जीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र उब के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंध प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेटेस्ट को डेंटिस्ट को उसकी माँ के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने क, किम्ब्रेली और बर्ग का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथी मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत ही, ही में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बचे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छो, छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणाम स्वरूप उस, उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 6.10 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है जैसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और इस्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रुबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वार जीडी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए कुक माइकल लैंड और इस मूवी को सिनेटोग्राफी के गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट एरिक सेयर्स और इसमें मूवी में म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी जाइड पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी वाकर, को डिस्ट्रीब्यूट की न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज like वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस का लैक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एज थॉमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज ए नोरा कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज ए कैट जेनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज यूगेना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज एसबेला हॉडसोन के रोल में टॉनिटो रोल में सारा कैटेरा सोन फ्रेंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज के रोल में एरन डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हमफ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोरडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैंप पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभास होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है वसाई कैट जिंग्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉर्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्श मार्शल थॉम्सबर्ग जबकि बर्क, जब बर्क कम से सवाल करता है डेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहाक द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है देड़, देड़, देड़ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जो फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उंग उब, के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नूरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जै जे, जे मैकी ग्रूबर ब्रेस जेफरी रेडिक और ये भी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वर्न जी डी पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए जे कुक माइकल लैंड दे और इस मूवी को सीनेटोग्राफी के गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए सेयर्स और इसमें मूवी म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इसमें मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस नाइनटी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एस थॉमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज ए इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज नोरा कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज ए कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज ए रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज यूगेना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज एसबेला हडसन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अर ड डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हमफ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा कारमोन अपने दोस्त साइन डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोरडा जा रही है यूएस रूट 23 के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक घर का पूर्वाभास होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है रसाई कैट जिंग्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हार्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्श मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्क जब कंबर्ली से सवाल करता है ढेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहां द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है देड़, देड़, देड़ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र, उब्राउनिंग के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंध प्रतिबंद किया जबकि कमली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके ही हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छो, छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई एम डी ने सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 के अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये बेस्ट है ज, कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वारन जी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए कुक माइकल लैंड और इस मूवी को सीनेटोग्राफी के गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट की एरिक सीयर्स और इस मूवी मेरे म्यूज़िक दिए हैं सेयली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या जा पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी की कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज अ कैम्बिली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडीज एज एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज ए इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज अ टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज अ नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज अ कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी जस्टिन मैक कार्डो एजन के रोल में टॉन एज ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रेंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिशर एज अ ब्रेन गीबोंस के रोल में बेनीटा हा एज अ जेन के जीन के रोल में एरन डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक कैनलसाइट एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर इलीन लीन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर इलीज के रोल में और एल्फ्रेड इ हम एज मिस्टर गी के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेिस गी बॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट 180 के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी वटमैन वी, के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे एक लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धार का पूर्वाभाष होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैम पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसाय कैट स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती हार्डन्स हाई स्कूल मार्स, की शिक्षिका यूजन और डिप्टी मार्सल थॉम्स बर्ग जबकि बर्कली से सवाल करता है देर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहा द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेड डेढ़ डेथ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स ओबब्राउनिंग उब्र, के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कंबल स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ कोपच साफ़ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी माँ के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने क, किम्ब्रेली और बर्ग का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ से मार्शल स्टीव एडम्स को उसके विरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बचे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणाम स्वरूप उस, उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने 6.10 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ सेवाइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जैसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और इस्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वर्न जीडी डी पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए कुक माइकल लैंड और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए सेयर्स और इस मूवी म्यूज़िक दिए हैं सेयली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज like वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैमबली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एज थोमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोयड एज अ कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज अ कैट जेनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज यूगेना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज अस्बेला हडसोन के रोल में टॉनिटो तोड एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिशर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अ रोल में एरन डॉगलस एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक कैनलसाइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलीज के रोल में और एल्फ्रिड ई हम्फ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्ड्रन क्रेंस एज मिसज गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट 180 के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किमिला कारमोन अपने दोस्त साइन स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभास होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लायुस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसायी कैट जिंक्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉर्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्स मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्क जब कंबड़ली से सवाल करता है डेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहा द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। डेथ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उंग उब्र, के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कमली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, सा, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत ही, में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नूरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स पॉइंट टेन सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की के अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिज़ और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये भी है ज, कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वारन जी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग हैं एली लैटर ए जे माइकल लैंड लैंडेज और इस मूवी को सिनेटोग्राफी किए गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए एरिक सेयर्स और इस मूवी मैंने म्यूज़िक दिए हैं सेयली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है जाइड पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस का लेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज अ कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडीज एज एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड पे टाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज अ टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बॉयड एज अ नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज अ कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में सी कैरसन एज अना डिक्स के रोल में जस्टिन मैक कार्डो एज असबेला हॉडसोन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डेनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रेंकिन वाइटमैन का रोल में एंड्रू एडली एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में नीटा हा एज अ जेन के जीन के रोल में एरन डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक कैनलाइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर इलिन कॉलर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर इलीज के रोल में और एल्फ्रेड ई हम फ्रीज एज मिस्टर गी के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेज गी के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किमला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डॉनो स्टीवेज और फ्रेंकी वहटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैंप पर प्रतीक्षा करते हुए उसे एक लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धार का पूर्वाभा होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइव मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसायी कैट जिन स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती हॉडंस हाई स्कूल मार्स, की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्सल बर्ग जबकि बर्क कम्बर्ली से सवाल करता है देर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहा द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमलिया को आखिरी सेकेंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेढ़ डेढ़ डेथ की उपस्थिति से अवगत कम्बली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र उब के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ़ को पता, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डे को डेंटिस्ट को उसकी माँ के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने क, किम्ब्रेली और बर्ग का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथी मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बचे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छो, छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणाम स्वरूप उस, उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 6.10 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और इस्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वर्न जीडी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए माइकल लैंडेज और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी के गरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए सेयर्स और इस मूवी म्यूज़िक दिए हैं सेयली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज like वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस का लेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैमबिरली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एस थॉमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज ए इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज नोरा कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज ए कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज ए रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज एना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज इसबेला हडसन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अ रोल में एरोन डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हम फ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा कारमोन अपने दोस्त साइन डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोरडा जा रही है यूएस रूट 23 के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभाष होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती, देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसायी कैट जिंग्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉडंस हाई स्कूल शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्क जब कंबर्ली से सवाल करता है ढेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहां द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमेलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। डेथ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र, उब्राउनिंग के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कमली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके ही हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इससे वूडो की तरफ से फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेसन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और इस्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफ्री रेडिक और ये भी है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वर्न जी क्रेग पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर एजेक कुक माइकल लैंडेज और इस मूवी को सिनेटोग्राफी के हैं गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए एरिक्स और इस मूवी मैंने म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इसमें मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी की कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैम्बिरली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड पे टाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज ए नोरा कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज ए कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज ए रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज यूगेना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज अस्बेला हडसोन के रोल में टॉनी एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटे एज अ साइना मैक के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एडली एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिशर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अर डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हमफ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट 180 के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बला कारमन अपने दोस्त साइन मैकेल डॉनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभास होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है साई कैट जिंक्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हार्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्स मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्कली से सवाल करता है डेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहा द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमेलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेथ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र, ब्राउनिंग के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कमली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके ही हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नूरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जिससे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स पॉइंट टेन सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से सिक्स फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया डेविड आर एलिज़ और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये भी है ज, कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वारन जी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर एजे कुक माइकल लैंड लैंडेस और इस मूवी को सिनेटोग्राफी किए गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए हैं एरिक सीयर्स और इस मूवी मैंने म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज अ कैम्बिली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडीज एज एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड पे टाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज अ टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज अ नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज अ कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी सी कैरसोन एज अना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज असबेला हॉडसोन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स री एज अ डेनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रेंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गीबोंस के रोल में बेनीटा हा एज अ जेन जीन के रोल में एरन डॉगलस एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक कैनलसाइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर इलीन लीन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर इलीज के रोल में और एल्फ्रेड इ हम एज मिस्टर गी के रोल में और चिल्टन क्रेंस एस मिसेज गी के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बि कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रैंकी विटमैन वी, के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे एक लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक घर का पूर्वाभा होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस नोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसाय कैट जिंक्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हार्डन्स हाई स्कूल मार्स, की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्सल थम्सबर्ग जबकि बर्क कम्बर्ली से सवाल करता है ढेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वाहक द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमलिया को आखिरी सेकेंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेढ़ डेढ़ डेथ की उपस्थिति से अवगत कम्बली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तर जीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र उब के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंध प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेटेस्ट को डेंटिस्ट को उसकी माँ के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने क, किम्ब्रेली और बर्ग का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथी मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत ही, में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बचे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणाम स्वरूप उस, उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 6.10 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है जैसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और इस्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रुबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वार जीडी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए कुक माइकल लैंड और इस मूवी को सिनेटोग्राफी के गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए सेयर्स और इसमें मूवी में म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी वाकर, को डिस्ट्रीब्यूट की न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज like वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस का लैक्स नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली क्लैटर एज अ क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एज थॉमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज ए नोरा कारपेंटर के रोल में कॉनर कोनर ट्रेस एज ए कैट जेनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन एज यूगेना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज एसबेला हॉडसोन के रोल में टॉनिट तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एडली एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिसर एज अ ब्रेन गिबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अ रोल में एरन डॉगलस एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक कैनलसाइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलीज के रोल में और एल्फ्रेड ई हमफ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोरडा जा रही है यूएस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैंप पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभास होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है वसाई कैट जिंग्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉर्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्श मार्शल थॉम्सबर्ग जबकि बर्क, जब बर्क कम से सवाल करता है डेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहाक द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है देड़, देड़, देड़ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उंग उब, के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि युवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था। उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ साफ को पत साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को, को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नूरा छोड़ छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई ने सिक्स सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 की अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जै जे, जे मैकी ग्रूबर ब्रेस जेफरी रेडिक और ये भी बेस्ट है कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वर्न जी डी पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए जे कुक माइकल लैंडेज और इस मूवी को सीनेटोग्राफी के गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट किए सेयर्स और इस मूवी मेरे म्यूज़िक दिए हैं सेरली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस नाइनटी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली अलीटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज ए कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडिस एज अ एस थॉमस बोरेक के रोल में डेविड पेटाकू एज ए इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज ए टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज ए नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज ए कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज ए रोरी पीटर्स के रोल में टीसी सी कैरसन एज एना डिक्स के रोल में जस्टिन मैककार्डो एज अस्बेला हडसन के रोल में टॉनी तोड़ एज अ विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डैनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज फ्रैंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज अ माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिशर एज अ ब्रेन गीबोन्स के रोल में बेनीटा हा एज अ रोल में एरोन डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक साइड एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर ईलिन कालर्जियन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर एलिज के रोल में और एल्फ्रेड ई हम फ्रीज एज मिस्टर गीबॉन्स के रोल में और चिल्टन क्रेंस एज मिसेस गीबॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किम्बिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी विटमैन वी, के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोरडा जा रही है यूएस रूट 23 के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धर का पूर्वाभाष होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैंप पर रोक देती, देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कार्पेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसायी कैट जिंग्स स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती बेला हॉडंस हाई स्कूल शिक्षिका यूजन डिक्स और डिप्टी मार्शल थॉम्स बर्ग जबकि बर्क जब कंबर्ली कौ, से सवाल करता है ढेर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहां द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है देड़, देड़, देड़ की उपस्थिति से अवगत कर्मली कम्बर्ली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र, उब्राउनिंग के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंध प्रतिबंद किया जबकि कमली स्पष्ट को सूचित करती है कि इवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने किम्बरेली और बर्क का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ ही मार्शल स्टीव एडम्स को उसके ही हिरासत में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बच्चे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छो, छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणिमा प्रणाम स्वरूप उस उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आई रेटिंग की बात करें तो इसे आई एम डी ने सिक्स पॉइंट टेन सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन रेटिंग दी है और इससे वोडो की तरफ से फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनल डेस्टिनेशन ये 2003 के अमेरिकन सुपर हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए डेविड आर एलिस और स्क्रीन प्ले दिए जैक मैकी ग्रूबियर इरिक ब्रेस और इस मूवी को स्टोरी दिए हैं जे जे मैकी ग्रूबर इरिस ब्रेस जेफरी रेडिक और ये बेस्ट है ज, कैरेक्टर्स पर जो कि जेफरी रेडिक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं वारन जी डी क्रेक पीरी और इस मूवी के स्टारिंग है एली लैटर ए कुक माइकल लैंड और इस मूवी को सीनेटोग्राफी के हैं गैरी कैपो और इस मूवी के एडिट की एरिक सीयर्स और इस मूवी मेरे म्यूज़िक दिए हैं सेयली वॉकर्स वॉकर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी जाइड या जा पेरी प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए न्यू लाइन सिनेमा और ये थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा नाइन्टी मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर में बनी और इसका बॉक्स ऑफिस का लेक्शन नाइन्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की डेस्टिनेशन टू मूवी की कास्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में अली लेटर एज ए क्लियर क्लियर रिवर्स राइवर्स के रोल में नजर आए और एजिक कुक एज अ कैम्बली कोरमैन के रोल में और माइकल लैंडीज एज एस थोमस बोरेक के रोल में डेविड पे टाकू एज इवन लेविस के रोल में जेम्स किर्क एज अ टीम कारपेंटर के रोल में लाइंडा बोइड एज अ नोरा कारपेंटर के रोल में कीगन कोनर नोर ट्रेस एज अ कैट जीनिंग्स के रोल में जोनथन चिरी एज अ रोरी पीटर्स के रोल में टीसी कैरसन डिक्स के रोल में जस्टिन मैक कार्डो एजन के रोल में टॉनी टॉन एज विलियम ब्लडवर्थ के रोल में सारा कैटेरा एज अ साइना मैक मैकलैंग के रोल में और एलेक्स रे एज अ डेनो स्टेवेज के रोल में सोन सी सीपोज एज अ फ्रेंकिन वाइटमैन के रोल में एंड्रू एज माइकल कोरमैन के रोल में नोल फिशर एज अ ब्रेन गीबोंस के रोल में बेनीटा हा एज अ जेन जीन के रोल में एरन डॉगलास एज डिप्टी स्टीव एडम्स के रोल में एरिक कैनलसाइट एज अ डिटेक्टिव सूबे के रोल में इन रे एडम्स एज डॉक्टर इलीन लीन के रोल में और फ्रेड हैंडसन एज अ डॉक्टर इलीज के रोल में और एल्फ्रेड इ हम फ्रीज एज मिस्टर गी के रोल में और चिल्ड्रन क्रेंस एस मिसेज गी बॉन्स के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स फ्लाइट वन के विस्फोट के ठीक एक साल बाद कॉलेज की छात्रा किमिला कारमोन अपने दोस्त साइन मैकेल्क डोनो स्टीवेज और फ्रेंकी वटमैन वी, के साथ स्प्रिंग ब्रेक के लिए डेटोना बीच फ्लोडा जा रही है यूस रूट ट्वेंटी थ्री के प्रवेश रैम पर प्रतीक्षा करते हुए उसे एक लॉगिंग ट्रैक ट्रक के कारण घातक धार का पूर्वाभाष होता है वो अपनी कार को प्रवेश रैम पर रोक देती देती है जिससे कई लोग को राजमार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसमें लॉटरी विजेता इवन लाइस मानोरा कारपेंटर और उसका पंद्रह वर्षीय बेटा टीम शामिल है व्यवसाय कैट स्टोनर रोरी पीटर्स गर्भवती हार्डन्स हाई स्कूल की शिक्षिका यूजन और डिप्टी मार्स, मार्सल थॉम्स बर्ग जबकि बर्कली से सवाल करता है देर हो जाता है लेकिन साइना डैनो और फ्रिंकी को एक कार वहा द्वारा मार दिया जाता है जब बर्क कैमिलिया को आखिरी सेकेंड में बचाता है पुलिस स्टेशन में में बचे लोगों से पूछताछ के बाद इविन इवान को अपने अपार्टमेंट में आग से बचने का प्रयास करते हैं करते हुए आग से बचने की सीढ़ी से बुरी तरह से कुचल दिया जाता है डेढ़ डेढ़ डेथ की उपस्थिति से अवगत कम्बली ने क्लियर रिवर से मदद मांगी जब फ्लाइट 180 के अंतिम उत्तरजीवी थे उन्होंने एलेक्स उब्र उब, के निगरानी वाले ईट से मारे जाने के बाद सुरक्षा के लिए एक मनोरंगा वार्ड में खुद को प्रतिबंधित प्रतिबंध किया जबकि कम्बली स्पष्ट को सूचित करती है कि ईवान मरने वाले राजमार्ग बचे लोगों में से पहला था उसके पूर्व अनुमान के विपरीत साफ को पत, साफ को पता चलता है कि बचे हुए लोग उल्टे क्रम में मर रहे हैं इस बीच डी डेटेस्ट को डेंटिस्ट को उसकी मां के साथ छोड़ते समय टीम को को एक खिड़की की शीशों से कुचल दिया जाता है क्लियर ने मदद करने का फैसला किया और विलियम ब्लडवर्थ ने क, किम्ब्रेली और बर्ग का परिचय कराया जो उन्हें बताता है बताता है कि केवल नया जीवन की मृत्यु को हरा सकता है यह मानते हुए कि इस बेला के बच्चे का जन्म मौत की योजना के बाधित करेगा बर्क साथ से मार्शल स्टीव एडम्स को उसके ही में लेने के लिए भेजता है जबकि वह अपने अपार्टमेंट में अन्य बचे लोगों को इकट्ठा करता है जब नोरा छोड़ने का फैसला करती है तो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के प्रणाम स्वरूप उस, उसका सिर लिफ्ट में फंस जाता है जैसे उसका सिर कट जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा और फ्रेंड्स अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें और फ्रेंड्स इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 6.10 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है और इसे वूडो की तरफ से फोर आउट ऑफ फाइव रेटिंग मिला है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कॉमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें